नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्ला खान को राउज रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, जेल से रिहा करने का आदेश। राजस्थान में कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार। राजस्थान टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल टैबलेट स्कैम में कोलकाता पुलिस ने सीआईडी के साथ कई इलाकों में की छापेमारी। महाराष्ट्र के सतारा में ईसी अधिकारियों ने चेक किया गोवा के सीएम का बैग। पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देगा डोमिनिका, कोविड में पहुंचाई थी वैक्सीन। श्रीनगर के राजबाग इलाके के निजी स्कूल की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मुंबई में इंडो ऑस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस का फोन छीनने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। नागपुर कोलकाता इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। महाराष्ट्र चुनाव में कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र को बचाना हमारा धर्म। भरतपुर के डॉक्टर ने आगरा में किया सुसाइड, ड्रिप में बेहोशी की दवा मिलाकर खुद को लगाई आग, बेटी को फोन पर कहा दो मिनट का मेहमान हूँ। सीएम योगी धनबाद सभा के दौरान बोले कोई हमें छेड़े तो फिर छोड़ेंगे नहीं। रायपुर में एलआईसी अफसर का डिजिटल अरेस्ट, ठगों ने 6.5 लाख रुपए ठगे। दिल्ली में प्रदूषण चरम पर, कई जगह के हालातों की स्थिति गंभीर। गिरिडीह में सभा के दौरान शाह बोले जेएमएम कांग्रेस झारखंड को एटीएम बनाना चाहती है, सोनिया गांधी बार बार राहुल बाबा का प्लेन उड़ा रही हैं, लैंड नहीं कर पा रही। बीकाजी ग्रुप के एमडी बोले भारत में प्लास्टिक बैन, बीकानेर में नहीं। राइजिंग राजस्थान में तंज में कहा किसी को बीकानेर लाने पर बेइज्जत फील होती है। अखिलेश की रैली में खाली कुर्सियों ने सियासत बदली, सीसामऊ में भाजपा हुई उत्साहित, बनाया मुद्दा, सपा बोली पुलिस ने लोगों को आने नहीं दिया। पंजाब में हरियाणा को विधानसभा के लिए जमीनें दिए जाने का सुनील जाखड़ ने किया विरोध। पटना समेत 17 जिलों की हवा खराब, हाजीपुर का एक्यूआई 400 पहुंचा। नए विवाद में फंसे कपिल शर्मा, द ग्रेट इंडियन कपिल शो को बीबीएमएफ की तरफ से मिला कानूनी नोटिस। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।